हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। सो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द वन कंसेप्ट डे क्लास द हिंदू से। हम आपको वन कंसेप्ट डे कराएंगे, इसके रिगार्डिंग हमने कल भी डिस्कस किया था। तो आजकल एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है और ये हर साल चलती है। ये न्यूज़ ऐसी है जो मानसून के टाइम पे आपको हर साल न्यूज़पेपर में दिखेगी। ऑलराइट, तो न्यूज़ क्या है? मानसून में फ्लडिंग होती है असम में, ब्रह्मपुत्रा रिवर में, और उसकी वजह से ब्रह्मपुत्रा रिवर एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क से होकर निकलती है इंडिया के, वो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट आपको स्पीशीज़, एनिमल स्पीशीज़ ऐसी मिलती हैं जैसे कि वन हॉर्न राइनोसॉर्स, हॉग डियर्स, ये स्पीशीज़ आपको वहाँ पर मिलती हैं जिनकी प्रोटेक्शन के लिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है। अब इस बाढ़ के आने की वजह से क्या होता है, ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है फ्लडिंग की वजह से पूरा भर जाता है पानी से और काफ़ी सारे एनिमल्स जो हैं वो अपनी लाइफ लूज़ कर देते हैं। तो इसी वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाता है। ठीक है, अगर आप ये न्यूज़ देखें, ये कल के हिंदू में एक्चुअली न्यूज़ थी 1 जुलाई के, पर ये अब आपको दिखेगी आने वाले 15-20 दिन में। आप इस कॉलम को एक्सपेक्ट कर सकते हो, आर्टिकल भी इसके ऊपर जल्दी आएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो कुछ हॉग डियर्स और वन हॉर्न राइनोसॉर की अभी तक डेथ हो चुकी है। इन टोटल अभी तक 14 एनिमल्स की डेथ हो चुकी है जिसमें आपके 13 हॉग डियर और 1 हॉर्न राइनो की डेथ हुई है। अब हमने यहाँ से कंसेप्ट कौन सा लर्न करना है, इस पर्टिकुलर न्यूज़ से हमने कंसेप्ट कौन सा लर्न करना है। न्यूज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी अभी क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा इसमें निकल कर आया नहीं है। हमारे लिए कंसेप्ट कौन से इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, उसको हम सीखेंगे अभी। हॉग डियर और वन हॉर्न राइनो के बारे में हमें पता होना चाहिए, प्री में कोई सवाल आ सकता है उसके बारे में देखेंगे। काजीरंगा में जो फ्लडिंग होती है उसके पीछे कारण क्या है वो देखेंगे कि नेचुरल रीजंस के अलावा मैन मेड रीजंस क्या हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि काजीरंगा में कुछ हद तक फ्लडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। नेचुरली काजीरंगा में फ्लडिंग इंपॉर्टेंट है, आपको शायद हैरानी हो कि आप कहेंगे सर किसी भी रीजन में फ्लडिंग इंपॉर्टेंट क्यों होगी, तो काजीरंगा में कुछ रीजन से फ्लडिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और सोल्यूशन देखेंगे कि इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन हमारे पास क्या हो सकता है, ये जो काजीरंगा में एनिमल लाइफ को लॉस हो रहा है इसको कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से, और कोई भी लिखेगा नहीं, कोई भी नोट्स नहीं बनाएगा। ठीक है, इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ऑलराइट, PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी। चलिए अब काजीरंगा के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो कुछ 430 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया का, वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। यहाँ पर आपको एलिफेंट ग्रास, बड़ी बड़ी ग्रास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, स्वैम्पी लगूंस देखने को मिलेंगे, डेंस फॉरेस्ट जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जैसा डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो काजीरंगा की जो स्पेशलिटी है, जो काजीरंगा जिस चीज़ के लिए फेमस है, वो है फेमस वन हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए। यहाँ पर आपको अराउंड 2200 वन हॉर्न राइनोसॉर की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जो अराउंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। अगर आप देखो तो 2/3 जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनोसॉर की, वो आपको इस नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम देखें तो ये जो पर्टिकुलर नेशनल पार्क है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1908 में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ मैरी कर्जन। अगर आप स्टेट सर्विसेज का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो इस तरह के फैक्ट स्टेट सर्विसेज के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और अब तो जैसा UPSC का आपका IAS का एग्जाम प्रीलिम्स आ रहा है तो उसमें भी आप इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर अब आप देखो तो ये जो पर्टिकुलर पार्क है इट इज़ लोकेटेड इन द एज ऑफ ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, उसके ईस्टर्न एज पे आपको ये पार्क मिलेगा। और ये असम की 2 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, गोलाघाट और नगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम जो है उसमें ये फैला हुआ है आपका। अगेन असम से रिलेटेड, अगर आप असम के हैं और आप असम स्टेट सर्विसेज से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क को 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था यूनेस्को ने। यूनेस्को 2 तरह की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करता है, एक होती हैं आपकी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जिसमें आपके नेशनल पार्क्स एंड ऑल सब चीज़ें आ जाती हैं, और दूसरी आपकी होती हैं मैन मेड, जो आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे ताजमहल इज़ अ मैन मेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, कल्चरल भी आप इसको कह सकते हो, कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो 1985 में आपका जो है यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। अगेन अ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड
कि कब ये हुआ था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखो, यूपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में इनमें से कोई भी फैक्ट आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है। उसके बाद अगर आप देखो आइकॉनिक वन हैंड हॉर्न डायनासोर के लिए तो ये फेमस है ही, उसके अलावा ये जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर एलिफेंट्स, ओके, वाइल्ड वाटर बफेलोज एंड स्वैम्प डियर्स। ये जो नेशनल पार्क है आपका, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये टाइगर पॉपुलेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ओवर द टाइम इसमें टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। इसी वजह से 2006 में, ईयर 2006 में आपके काजीरंगा नेशनल पार्क को एक टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया था। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आपने देखा कि आपका काजीरंगा जो है ये नेशनल पार्क भी है, आपने देखा आपका काजीरंगा जो है ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, आपने देखा कि आपका काजीरंगा जो है ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, अभी तक हमारे पास तीनों चीज़ें आ चुकी हैं, ये काजीरंगा, ये तीनों हैं, समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्सो द पार्क इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी हो गया, जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ये वो एनलिस्ट करती है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एवियन फॉनल स्पीशीज। ऑलराइट, तो काफ़ी बर्ड्स काजीरंगा में क्योंकि माइग्रेट होकर के सेंट्रल एशिया से इधर आते हैं विंटर सीजन के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हो ना कि बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन काजीरंगा, और आपके एग्जाम के हिसाब से ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सवाल बहुत सारे बन सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, काजीरंगा से होकर निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर, और ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है काजीरंगा की जो लुक है उसको ब्यूटीफाई कर देती है, उसको एक तरह से एक एनिग्मेटिक लुक देती है। ब्रह्मपुत्रा फ्लडिंग तो कॉज करती ही है काजीरंगा में, लेकिन ऑल राउंड द ईयर जो ग्रीनरी जो काजीरंगा की है, जो आप वहाँ पर जाके आपको जो डेंस ट्रीज दिखते हैं, डेंस फॉरेस्ट्स दिखते हैं, वो भी ब्रह्मपुत्रा उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और काजीरंगा में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ऑल्टीट्यूड का डिफरेंस बहुत देखने को मिलेगा। अगर आप ईस्टर्न और वेस्टर्न काजीरंगा को कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा एक एरिया जो है थोड़ा प्लेन एरिया है और दूसरा एरिया थोड़ा हिली एरिया है। ठीक है, और इसी ज्योग्राफिकल इस डिफरेंस की वजह से आपको अलग अलग टाइप की वेजिटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चार टाइप की आपको यहाँ पर वेजिटेशन देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर एल्यूवियल इनंडेटेड ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलेंगे, सवाना वुडलैंड भी देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल डेजिडियस फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा, और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अब हमने देखा वन हॉर्न डायनासोर, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इनकी पहचान है। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो ग्रीनरी प्रोवाइड कर रहा है वो एक इम्पॉर्टेंस है। उसके अलावा और भी यहाँ पर स्पीशीज़ मिलती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज़ की यहाँ पर, कुछ फेमस ट्रीज़ की यहाँ पर आपको स्पीशीज़ मिलती हैं, जैसे कुंभी, इंडियन गूसबेरी, कॉटन ट्री, एलिफेंट एप्पल, ये सब फेमस ट्रीज़ हैं जो आप इस पार्क में ईजिली पा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने पास्ट ईयर पेपर देखे हो तो एक क्वेश्चन आया था कि रोडेंड्रॉन्स अगर आप हिमालयाज में ट्रैवल कर रहे हो तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, इस तरह के सवाल पूछता है यूपीएससी, या इस तरह का ट्री आपको कहाँ मिलेगा। तो इन सवालों के लिए आपने तैयार रहना है। ऑलराइट, अब बात करते हैं हॉक डियर की, जिनकी न्यूज़ में मेंशन था कि भैया 13 एनिमल्स की डेथ हो गई, उनमें से 12 हॉक डियर थे, तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी हम कोई एनिमल पढ़ रहे हैं ना तो दो तीन चीज़ें उसकी बहुत इंपॉर्टेंट हमें पता होनी चाहिए। एक तो वो इंडिया में नेटिव है या इंडिया में बाहर से लाया गया है, दूसरा उसकी रीच क्या है कि कहाँ पर वो पाया जाता है, तीसरा उसका IUCN स्टेटस क्या है कि भाई वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्या है। तो ये तीन चार फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हॉक डियर, इसको पाडा भी कहा जाता है और ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, सीधा सीधा प्री में पूछा जा सकता है। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, IUCN रेड लिस्ट में आपको जो एंडेंजर्ड लिस्ट होती है। अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो उसके शेड्यूल वन में आता है। शेड्यूल वन मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एनिमल को। ऑलराइट, अब ये जो स्पीशीज़ है हंटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ग्राउंड लूज किया है। ठीक है, इसकी कुछ आइसोलेटेड पॉपुलेशन आपको कैम्बोडिया में देखने को मिलेगी, लेकिन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इसकी मेनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ही है 20th सेंचुरी से अगर हम देखें तो। इंडिया में अगर हम देखें मेनली टू सब स्पीशीज़ जो हैं वो रिपोर्ट की जाती हैं। एक तो होती है, एक को बोला जाता है वेस्टर्न रेस, जो मेनली आपके पाकिस्तान और हिमालयन फुट हिल्स में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तराई ग्रासलैंड्स में।
जो आपकी अरुणाचल प्रदेश और पंजाब से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आपको देखने को मिलती है, जो आपको काजीरंगा में भी मिलेगी। दूसरी ईस्टर्न रेस, ये मेनली आपको साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है, जैसे थाईलैंड, लाओस, कैम्बोडिया और वियतनाम। ऑलराइट, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं हॉक डियर से रिलेटेड जो आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं वन हॉर्न राइनोसॉर के बारे में। वन हॉर्न राइनोसॉर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसॉर एंड द ग्रेट इंडियन राइनोसॉर, ठीक है। ये एक राइनोसॉर स्पीशीज है जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही पाई जाती है बेसिकली। अगर हम स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है। अब कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा जो है इसमें डाउट में रहते हैं कि इस एनिमल के बारे में इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं, ये इतने ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है और इतना ज़्यादा फेमस है, तो बच्चे ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड ही होगा। ऐसा होता है बच्चों के साथ अक्सर। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी नहीं है, ये एंडेंजर्ड भी नहीं है, ये वल्नरेबल लिस्ट में आते हैं IUCN रेड लिस्ट के, ठीक है। अब इंडियन राइनोसॉर्स किसी समय पर आपको पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन में मिलते थे नॉर्दर्न इंडिया के, लेकिन एक्सेसिव हंटिंग और एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट की वजह से ड्रास्टिकली इनकी वहाँ से रिडक्शन हो गई और अब ये लिमिटेड रह गए हैं आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ऑलराइट, अब अगर हम वन हॉर्न राइनोसॉर की बात करें तो मेनली आपको अभी ये जो है तराई और ब्रह्मपुत्र बेसिन वाले रीजन में मिलेंगे। ऑलमोस्ट ये पाकिस्तान जैसी कंट्रीज से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें तो इंडिया में 2600 राइनोज जो हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में हैं, ठीक है। यानी कि 90% पॉपुलेशन असम में कंसंट्रेटेड है। इंडिया के वन हॉर्न राइनोसॉर्स की 90% पॉपुलेशन असम में कंसंट्रेटेड है और असम में भी एक अकेले नेशनल पार्क में कंसंट्रेटेड है। काजीरंगा के बाहर भी कुछ स्टेट्स में आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, पर मेजरली कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, आपके असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। अब मैं अगर दुनिया की बात करूँ, ये तो था इंडिया के हिसाब से 90% पॉपुलेशन काजीरंगा में। अगर मैं वर्ल्ड लेवल पर देखूँ तो वर्ल्ड के 70% वन हॉर्न राइनोसॉर्स आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में है। अब ये खुश होने की बात है या दुखी होने की बात है? खुश होने की बात है कि चलो यहाँ पर हमारे यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनोसॉर्स हैं, पर एक हमारे पास इसकी चिंताजनक बात भी है, हमारे पास एक प्रॉब्लम भी है। ये हमें चिंता देता है दो कारणों की वजह से। पहला कारण, एक तो वहाँ पर एक किसी भी एरिया की, किसी भी रिजर्व्ड एरिया की, किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया की कैरिंग कैपेसिटी होती है। अब आपका घर है, आपका रूम है, आपके रूम में कोई गेस्ट आ जाए, 50 गेस्ट आ जाए, 10 गेस्ट आ जाए, सारे के सारे आपके रूम में आकर के आपके बेड के ऊपर चढ़ जाएं, तो आप होगे, आप घर वालों के पास जाओगे, पेरेंट्स के पास जाओगे, मैं कहाँ जाऊँ? तो अगर पॉपुलेशन एक छोटे से एरिया में ही बढ़ती जा रही है तो रिसोर्सेज तो कम पड़ेंगे ही ना, ठीक है। तो फर्दर अगर यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगी, अल्टीमेटली वो रीजन सपोर्ट करना बंद कर देगा, रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे। दूसरी चिंता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल ये मान लो कि जो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहाँ पर कोई डिजीज आउटब्रेक हो जाता है या यहाँ पर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, हर साल बाढ़ तो आती है, किसी साल कुछ ज़्यादा बाढ़ आ गई, सबको बहा के ले जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई ऐसा डिजीज़ आउटब्रेक हो जाता है या कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, तो प्रॉब्लम ये होगी कि सारी की सारी पॉपुलेशन एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड है, समझ रहे हो, एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड होने से नुकसान है कि खत्म हो सकती है। अब जब गिर में हमने देखा, जब वहाँ पर जो एशियाटिक लायंस थे उनकी डेथ हुई, तो हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि हमें ये चिंता थी कि अगर यहीं पर हमारी ज़्यादातर एशियाटिक लायन पाए गिर नेशनल पार्क में जाते हैं गुजरात में। उसके बाद सरकार ने स्पीडअप किया कि हाँ, हमें इनको दूसरी जगहों पर भी जो है सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये चिंता का बड़ा कारण है हमारे लिए एक, इसीलिए एक इंडियन राइनो विजन हमने बनाया था 2020। अब ये इंडियन राइनो विजन जो है इसको इंप्लीमेंट करता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट स्टेट ऑफ असम का विद बोडो ऑटोनोमस काउंसिल, ठीक है। और इसकी फाइनेंसिंग जो करता है वो है आपका WWF करता है, एशिया राइनो एंड एलिफेंट एक्शन स्ट्रैटेजी इंडिया और इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, ये तीनों मिलकर के इसकी जो है फाइनेंसिंग करते हैं। मेन विजन क्या था इसका कि भैया 2020 तक राइनोज की पॉपुलेशन को 2000 से बढ़ा करके 3000 तक लेकर के जाना है। अभी इसके हमारे पास एस्टिमेट्स आए नहीं है, क्योंकि कोई सेंसस वगैरह अभी हमारे पास आई नहीं है कि अब क्या लेटेस्ट सेंसस हमारे पास अभी अवेलेबल इसका नहीं है। इस विजन में एक और बात की गई, जो अभी हमने थ्रेट देखा कि अगर एक ही जगह पर पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है किसी एनिमल की, तो वो रिस्की हो जाता है। तो इस विजन में कहा गया कि ये जो पॉपुलेशन है जो एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज में, ठीक है। 7 प्रोटेक्टेड एरियाज ऐसे आइडेंटिफाई किए गए जहाँ पर वन हॉर्न राइनोसॉर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। वो है आपके डिब्रू सैखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क,
लखोवा बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, प्रोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुनाई रुपाई और सुंदरबन बायो रिजर्व। अब आपका एक छोटा सा होमवर्क है कि आप इनकी स्टेट्स चेक करेंगे कि कौन सी स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व है, और कमेंट्स में आप इसको लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटी सी मेहनत आपके लिए करनी ज़रूरी है। देखो, जो लोग आपको ये बोलते हैं ना हमेशा कि हमारा कर लो, हमारा देख लो, हमारा सब कर लो, पेपर क्लियर हो जाएगा, वो आपके साथ ब्लफ कर रहे हैं बहुत बड़ा। क्योंकि UPSC एक ऐसा एग्ज़ाम है कि जब तक आपकी थिंकिंग नहीं डेवलप होगी, जब तक आपकी खुद की मेहनत करने की इच्छा नहीं डेवलप होगी, आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डेवलप होगा, आप एग्ज़ाम क्लियर कर ही नहीं सकते। मेरे से लिखवा के ले लो, ठीक है। हाँ, आप उनका सपोर्ट लीजिए, आप उन वीडियोज़ का सपोर्ट लीजिए, अच्छी बात है, बहुत लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप किसी के ऊपर भी डिपेंड मत होइए, आप अपने आप से चीज़ों को एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए, ठीक है। मानस नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व को पहली साइट जो है सिलेक्ट किया गया था जहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन होना था। अब बात करते हैं कि असम के जो ये फ्लड्स हैं वो हमारे लिए चिंता का कारण क्यों है। ये आर्टिकल आया था पिछले साल, आया था जब पिछले साल भी क्योंकि बाढ़ आई थी, इस साल अभी तक आर्टिकल इस पर कुछ आया नहीं है हिंदू में। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इस पर्टिकुलर ये आर्टिकल का टाइटल था, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो पिछले साल। तो ये आर्टिकल क्या कहता है कि देखो भैया, जो 750 स्क्वायर किलोमीटर का कार्बी एंड लॉन्ग का एरिया है, या जो नेशनल हाईवे 37 है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क की पेरिफेरी से होकर के निकलता है, ठीक है। और ये एनिमल्स भी इसको यूज़ करते हैं, एनिमल्स इसको यूज़ करते हैं टू फाइंड अ नेचुरल रिफ्यूज। जब काजीरंगा में पानी भर जाएगा, फ्लडिंग हो जाएगी, तो उस समय में ये इन रास्तों को यूज़ करते हैं टू ट्रैवल, टू फाइंड अल्टरनेट रूट्स। पर हुआ क्या, इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ गई। इन कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के बढ़ने की वजह से जो ये नेचुरल कॉरिडोर्स थे, जो ये एनिमल कॉरिडोर्स थे जिनको ये एनिमल्स यूज़ किया करते थे, वो बंद हो गए, स्पेशली अलॉन्ग द 60 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन जकलाबंदा एंड बोखाखत टाउन्स। ये वेस्टर्न और ईस्टर्न एंड है काजीरंगा नेशनल पार्क के। इसकी वजह से, क्योंकि अब ये रास्ते बंद हो गए, तो एनिमल्स को दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, इसके चक्कर में या तो वो खो जाते हैं या वो और ज़्यादा रिस्की सिचुएशंस पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ढाबे खुल गए, रिजॉर्ट्स खुल गए काजीरंगा नेशनल पार्क की वजह से, जिसकी वजह से ये सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की वजह से प्रॉब्लम आ गई। दूसरा, स्टोन क्वेरिंग जो कार्बी एंगलोंग में हो रहा है, 15-16 साल से ये स्टोन क्वेरिंग चल रही है, जिसकी वजह से ये जो कॉरिडोर्स थे ये ऑलमोस्ट ब्लॉक हो चुके हैं। और ये कॉरिडोर्स के ब्लॉक होने की वजह से मानसून में बाढ़ के समय ये एनिमल्स जो हैं ऊंचाई वाले इलाकों में नहीं जा पाते, और इसी वजह से ये वल्नरेबल भी हो जाते हैं पोचर्स के लिए, क्योंकि इतना बाढ़ आ गया होता है पूरा पार्क में, तो जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं वो भी प्रॉपर सर्विलेंस मेंटेन नहीं कर पाते, तो पोचर्स भी जो है अब अपना काम करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब सरकार कहती है कि हमने भैया आर्टिफिशियल हाईलैंड्स बनाएंगे जिनके ऊपर ये जानवर जा सकेंगे मानसून के समय में, तो कुछ 144 आर्टिफिशियल हाईलैंड्स सरकार ने बना दिए, लेकिन ये सिर्फ 50 एकड़ जगह पे हैं। इतने बड़े नेशनल पार्क को, जिसका हमने एरिया देखा था कि कितना बड़ा एरिया है, उस नेशनल पार्क के सारे जानवरों को आप 50 एकड़ में कैसे अकोमोडेट करोगे, तो ये तो वर्चुअली इम्पॉसिबल चीज़ है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए जो काजीरंगा है, काजीरंगा के लिए फ्लडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा में फ्लड जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लड जाना काजीरंगा में इंपॉर्टेंट क्यों है, काजीरंगा में फ्लड जाना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले तो जो आपका काजीरंगा है वो अपने वेटलैंड्स और ग्रासलैंड्स के लिए फेमस है, तो जो ये आपके फ्लड्स आते हैं ये इन वेटलैंड्स और ग्रासलैंड्स को रिप्लेनिश कर देते हैं, ठीक है। जो आपकी जो यहाँ पर जो फ्लैगशिप स्पीशीज है, जो राइनोसॉरस की फ्लैगशिप स्पीशीज है, वो इन वेटलैंड्स और ग्रासलैंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, तो इसलिए रिप्लेनिशमेंट इनकी बहुत ज़रूरी है। और ये फ्लडिंग जो है, ये जो ब्रह्मपुत्रा और जो ब्रह्मपुत्रा की डिस्ट्रीब्यूटरी जो सॉरी ट्रिब्यूटरी धनसरी जो ये फ्लडिंग कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस नेशनल पार्क के लिए। उसके बाद ये जो फ्लडिंग का वाटर होता है, ये एक और हेल्प करता है, ये हेल्प करता है नेशनल पार्क की जो वाटर बॉडीज हैं उसमें से एक्वेटिक वीड्स को फ्लश आउट करने में। अगर ये एक्वेटिक वीड्स हर साल फ्लड के साथ फ्लश आउट नहीं होंगी तो वहाँ की वाटर बॉडीज चोक होनी शुरू हो जाएंगी, तो इस वजह से भी ये फ्लड्स इंपॉर्टेंट है। तो फ्लड्स एक नेसेसरी एविल हैं काजीरंगा के लिए, यू कैन से। और ये सारे पॉइंट्स हैं, आप फॉडर पॉइंट्स हैं, ये आप अपने मेंस में यूज़ कर सकते हो। जब आप पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हो, जब किसी भी चीज़ पे आपको पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, तब आप ये सारे पॉइंट्स आपको डालने होते हैं वहाँ पर,
कि हाँ आप सीधा सीधा कह दो, अब आप अपने मेंस के आंसर में लिखाओगे फ्लडिंग के ऊपर आ गया, या आपके आपसे सवाल पूछ लिया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर, काजीरंगा के हर साल फ्लडिंग होती है, आप तो वहाँ पर सीधा लिखाओगे कि सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि फ्लडिंग हुई ना। एग्जामिनर कहेगा इसको तो पता ही नहीं, इसको तो इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं कि काजीरंगा के लिए तो फ्लड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो इन चीज़ों को आपने दिमाग में रखना है। अब इन चीज़ों को ठीक कैसे किया जा सकता है, किस तरह से रोका जा सकता है, रोकने का सबसे आसान तरीका है जो नेचुरल जो कॉरिडोर्स हैं एनिमल्स के वो आपको क्लियर करने होंगे। उसके लिए आपको करप्शन रोकना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स परमिशन दे देते हैं ढाबे वालों को, रिजॉर्ट वालों को, वो परमिशन उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन्स बनाइए वहाँ पर, आप ट्रांजिशन जोन हो जहाँ पर कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट अलाउड ना हो, ठीक है, ताकि जो इनके नेचुरल कॉरिडोर्स हैं एनिमल्स के वो डिस्ट्रॉय ना हो। जो वहाँ के लोकल्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन लीजिए, उनको इन्वॉल्व कीजिए इन सब चीज़ों में, और इसी तरीके से आप जो है इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। देखो फ्लडिंग तो नेचुरल है, लेकिन नेचुरल एक और चीज़ थी, वो थे नेचुरल कॉरिडोर्स, डिस्ट्रॉय आपने उनको कर दिया जिसकी वजह से अब एनिमल्स की डेथ हो रही है। तो उन कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करो, एनिमल्स अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे, समझ रहे हैं। चलिए तो इतना ही था फ्रेंड्स आज के लेक्चर के लिए। अब काजीरंगा नेशनल पार्क आपको समझ आ गया, कोई भी फैक्ट आ जाता है आप आंसर कर दोगे, हॉग डियर के बारे में कोई फैक्ट आ जाता है प्रीलिम्स में आंसर कर दोगे, वन हॉर्न डायनासोर आंसर कर दोगे, कोई पॉइंट ऑफ व्यू मांगता है आपका तो आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू है कि फ्लड्स आर अनेसेसरी एवेल फॉर काजीरंगा नेशनल पार्क, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट। तो अभी के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो हैं मिलते रहें, ठीक है। तो आई होप आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।